अस्सलामुअलैकुम और वेलकम टू आवर ट्रेनिंग सेशन। जो रोज़ हम ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे और टास्क वगैरह रखते हैं। अब्दुल्ला काफ़ी दिनों से पीछे वो इंजॉय कर रहा था, तो अब्दुल्ला के लिए आज एक टास्क रखा है हमने। जस्ट इतना सा टास्क दिया है कि जो मर्जी करे इस ग्राउंड के अंदर, ये पूरी ग्राउंड है इसके पास, इस ग्राउंड में ये जो मर्जी करे, चाहे स्प्रिंटे मारे या चाहे पुशअप्स वगैरह लगाए, हमें इसका जो पसीना होगा इसकी शर्ट पे आएगा उससे ये अपना ये गिलास भरेगा, ये वाला गिलास भरेगा। अगर इसने अपना वो जो है मेहनत से ये गिलास भर दिया तो इसे यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी, अदरवाइज अब्दुल्ला यहाँ से नहीं जा सके, सिर्फ वॉशरूम करने जाएगा और नमाज पढ़ने जाएगा, खाना पीना पूरे समझे इतकाफ पे बिठा देंगे इसे। चलिए शुरू करते हैं, चल स्टार्ट कर, चल चल मेरा भरा। भाई बना कुछ तुझे तो एक कतरा थोड़े थोड़े आया बस है, ट्रेनिंग तो छुट्टियां करता है, इसको पसीना नहीं आया अभी तक, खाना भी नहीं है इसको यार, गाना डंडी लगा के ना यहाँ से भाग लेता है। थोड़ा बहुत आए चल, बिल्कुल इसको है बगैरत साथ साथ आ रहे, ना तो इसको कोई ज़रा सा आया पसीना आया और ना ही इसने, इधर गिलास दिखा दो, गिलास चेक करें, गिलास में ले गया यार, गिलास में ले गया, अंदर से दिखा इसे भाई, बिल्कुल खाली है और 1% भी इसे पसीना नहीं आया। तो भाई नबील ने सिफारिश की है कि भाई ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट ऑफ ऑल देखे कि अभी इसने ये पहना हुआ है, सर्दी तकरीबन थोड़ी थोड़ी है लेकिन पसीना कैसे आएगा। तो अगर ये जो पैराशूट है अगर ये मैं पहना देता तो मैं भी आ जाता, ठीक है ना। तो ये रोज़ाना ना आता है यहाँ पे और डंडियाँ शंडियाँ मार के ना चला जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ना भाई साहब ये किस लाइन में आ गया भाई, किक लग जाती ना बाकी तुझे बड़ी हैवी लग जाती, लेकिन अभी ये सिर्फ ना शर्ट गीली करेगा अपनी, मुझे नहीं लगता कि ये अभी भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। हमने इसको ये किया है कि इसको कहे कि अपनी यार सिर्फ शर्ट एक जो है ना वो गीली कर ले, अब इतना भी बंदा, एक स्पोर्ट्समैन बंदा इतना भी नहीं कर सकता, सबसे बड़ी पनिशमेंट ही पढ़ाई है सबके लिए, तो वो इसको मिलनी है और उसके अलावा हमारे पास कोई पनिशमेंट भी नहीं है। शू भाई कुछ भी नहीं हुआ इससे, ना इसके अभी तक शर्ट गीली हुई है, शर्ट तो ही गीली, वाह हाथ लगा ले हुई है, हाँ थोड़ी थोड़ी हुई है, नीचे से थोड़ी थोड़ी रहेगी। तो अभी जा रहे हैं हम तो खाना खाने जा रहे हैं, लेकिन ये यहीं पे स्टक रहेगा क्योंकि जो रूल था गेम का कि इस ग्राउंड से बाहर नहीं जा सकता आज के दिन, हो सकता है इसे मैच का मौका मिले या ना मिले अभी खाने के बाद, लेकिन इसको खाना नहीं मिलेगा। अब तो नबील भाई से पूछते हैं कैसे चैलेंज देने चाहिए या फिर क्या इनका कोई फ़ायदा है या इनका कोई चैलेंज, नहीं पूछते, गजब बेइज्जती है, अच्छा पूछ लेना जी। बिकॉज चैलेंजेस देना चाहिए क्योंकि बंदा स्टक हो जाता है, बंदे को पता चलता है कि बंदा कितने पानी च गया, तो ऑब्वियसली अभी इसको पता है ना ये रोज़ाना के 10 चक्कर लगाता है, ठीक है ना। अभी इसको चैलेंज दिया है ना तो ये थोड़ा सा जो डेली रूटीन में लगाता है ये थोड़ा सा उससे हट के होगा, तो ऑब्वियसली बंदे को पता चल जाता है कि वो कितनी ट्रेनिंग में आया और कितना चैलेंज पूरा कर सकता है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि हर हफ्ते एक दिन चैलेंज का रखना चाहिए ताकि बंदे की फिटनेस का पता चले कि बंदा कितने पानी बेचेगा।
ये बिल्कुल नकारा पीस है हमारे पास, ये किसी काम का नहीं है ये पीस, लेकिन इसको हम तराशेंगे और कोशिश करेंगे कि ये हीरा बने और हीरा बन के निकले। लेकिन इन्हें चौबे की कोई गल नहीं है, कुछ नज़र नहीं आता टी रहा। अच्छा तो खाना खा के हम आपको मिलते हैं, तब तक ये भाई अपनी ट्रेनिंग करते हैं, अल्लाह हाफिज़। तो भाई जान बाकी मोटे ने पूरा दिन लगा दिया भाई, देखें दोपहर हो गई है लेकिन मोटे ने जो है वो चैलेंज पूरा कर लिया अपना। ये आपको नज़र आ रहा होगा पसीना, खुश हो रहे हैं ये सारी इसकी जो है वो भीग गई है पसीने से। तो कंग्रेचुलेशन कहेंगे मोटे को, और मोटे वादा करो यार आइंदा से छुट्टियां नहीं करो। वादा है छुट्टियां नहीं, सिर्फ पेपर की तैयारी करूंगा जो सबसे मुश्किल काम है। पेपर पढ़ाई ना हो तो मैं फिर फुटबॉल, मेरी माँ है। तेरी माँ तक ये वीडियो चलेगी ना इंशाल्लाह। हम अगले संडे दोबारा मिलेंगे इसी ग्राउंड पे। अब रोज ही मिलते रहेंगे, अब रोज मिलते रहेंगे सुबह सुबह, मगर वो तो ट्रेनिंग होती रहेगी। मगर संडे को जो होता है संडे वाले दिन कुछ चैलेंज रखेंगे, इस बार थोड़ा गुलशन पार्क चलेंगे, अगली बार ट्रैक शटल गाएंगे।